हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू थम्स किचन। थम्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं विंग्स के आकार में पटेटो और कॉर्न से एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाऊंगी। इसके लिए तेल गर्म करेंगे। तेल अच्छी तरह गर्म हो जाने पर इसमें लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मिलाएंगे, थोड़ा सा प्याज मिलाएंगे, और ये हॉट विंग्स है इसलिए इसमें और स्पाइसी फ्लेवर मिलाएंगे। अब इसे हल्का फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हल्का फ्राई हो जाने पर अब इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च मिलाएंगे, और इसे मिक्स करते हुए इसमें थोड़ा कैप्सिकम मिलाएंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसे मिक्स करें और 2 से 3 मिनट और फ्राई कर लें। ये देखिए फ्राई हो चुका है। अब इसे बॉइल्ड किए हुए आलू में मिलाएंगे। मैंने 2 से 3 बॉइल्ड किए हुए आलू लिए थे। अब इसमें बॉइल्ड किए हुए 1 कटोरी कॉर्न लेंगे। अब इन सभी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए थोड़ा काली मिर्च का पाउडर मिलाएंगे, साथ ही थोड़ा सा टुकड़ों में कटा हुआ चीज मिलाएंगे। और इन सभी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पटेटो और कॉर्न के इस स्नैक्स को एक स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए इसमें चिली फ्लेक्स मिलाएंगे। मैंने 1 चम्मच के लगभग चिली फ्लेक्स लिया है, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब एक आइसक्रीम स्टिक लें और इस पर आलू को लपेटते हुए इसका एक रोल बनाएं। इस स्नैक्स को हमें थोड़ा सा विंग्स का आकार देना है, कुछ इस तरह से रोल बनाएं और विंग्स का आकार दें। ये देखिए हॉट पोटैटो कॉर्न विंग्स तैयार है। अब इसे कोट करने के लिए मैदा, कॉर्न और पानी का मिश्रण बनाया है। ये देखिए इसमें मैंने 2 चम्मच कॉर्न पाउडर और 1 चम्मच मैदा लिया है। अब इसे थोड़ा कलरफुल बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने फूड कलर का यूज़ किया है। थोड़ा सा फूड कलर मिलाएं और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। अब इसे चम्मच की सहायता से इस रिंग्स के ऊपर डालें और पलटते हुए इसे अच्छी तरह कवर करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिंग्स पूरी तरह इस घोल में कवर हो चुका है। अब दूसरी ओर एक थाली में ब्रेड क्रम्स लें और इसे ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरह कवर करें। दोनों हाथों की सहायता से इस पर ब्रेड क्रम्स लगाएं। ये देखिए पूरी तरह कवर कर लिया है। इसी तरह हमारे दोनों पोटैटो कॉर्न विंग्स तैयार हैं। अब फ्राई पैन में तेल गर्म करें और इसे डीप फ्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस रिंग्स को सुनहरा होने तक फ्राई करें। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। इसे चटनी या सॉस के साथ गर्मा गर्म परोसें।